SRM टुडे शहर की आवाज। मंसूर डायमंड ज्वेलर्स के संचालक द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पुलिस द्वारा अनिल सोनी को जिला बदर करने की कार्रवाई पर संचालक अजय सोनी ने पुलिस पर आरोपियों के साथ मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। मंसूर डायमंड ज्वेलर्स के संचालक अजय सोनी द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अजय सोनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपी लाला पठानों पर कार्रवाई न करके उल्टा अजय सोनी को करवा चौथ के दिन जिला बदर कर दिया गया है, जबकि लाला पठानों पर पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 16 प्रकरण पहले से ही दर्ज है, फिर भी पुलिस लाला पठानों पर कार्रवाई न करके उनका साथ दे रही है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन भी मेरी मदद तो करेगा ही, इस प्रकार से पुलिस प्रशासन की कार्रवाई है, उस हिसाब से मेरे को 1 करोड़ रुपये देने की समझदारी है कि मैं अपने दुकान को डायमंड ज्वेलर्स मंसूर को बंद करके और अपने पूरे कारोबार को बंद करके और लाला पठानों को पैसे दे के और शांति से मैं इस शहर में रहूँ, यही मैं और मेरे परिवार ने निर्णय लिया है। इस शीघ्र मैं स्थान में मंसूर नीमच जिले में सबको बंद कर दूँगा और बंद करके लाला पठानों द्वारा जो प्रगति में सहभागी दे रही है उसको पैसे को दे दूँगा और देने के बाद मैं शांतिपूर्ण रहूँगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो ये लाला पठान मेरे या मेरे परिवार किसी तरह से जान से मार देंगे। आज प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की गई है कि विगत 2 साल से हम जो लाला पठानों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे उस लड़ाई को मैं समाप्त कर रहा हूँ। कि कल पुलिस प्रशासन द्वारा जिस प्रकार अनिल सोनी के ऊपर जिला बदरी कार्रवाई कर दी गई और जिस प्रकार से उसको करवा चौथ के दिन जिला बदर कर किया गया, जानबूझकर पुलिस ने दबाव में आकर कलेक्टर के ऊपर दबाव बनवा कर ये कार्रवाई करवाई है ताकि हम लाला पठानों के खिलाफ जो हमारा केस चल रहा है उसमें गवाही न दे सके और हम पूर्ण रूप से टूट जाए और उस केस को समाप्त कर ले, इसलिए कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे शहर की आवाज़।